काशीपुर के रामनगर रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम चोरी घटना को लेकर शाखा प्रबंधक अनुमय कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है। इस बारे में काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले अज्ञात चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम चोरी किया था। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जानकारी जुटा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये परसों रात की घटना थी जिसको की सूचना हमें जो इनका सेंट्रल कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम को मिला था। तत्काल हम सभी पदाधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे तो ये जो चामुंडा कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है इसमें एसबीआई का एटीएम है जो कि शटर लगा करके बंद था। एक स्कॉर्पियो आई जिससे कि कुछ संदिग्ध उतरे और उन्होंने उसको उसका जो नीचे का लॉक और ग्रिल था उसको तोड़ने के बाद उस एटीएम को बांध करके और खींच के फिर उसको लूट करके ले गए। तत्काल हमारी टीमें सीसीटीवी को मैप करते हुए उनका पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक भी गई। घटना के संबंध में लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं। यह जानकारी भी निकल के आई कि ये जो संदिग्ध गैंग था जो कि स्कॉर्पियो का प्रयोग कर रहा था और जो इसके द्वारा अन्य चीज़ें उपयोग की जा रही हैं, इन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मथुरा, इसके अलावा हरिद्वार और अन्य अन्य स्थानों पे इसी तरह की घटना को अंजाम दिया है। हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। शीघ्र ही इसमें भी जो अभियुक्त है उनको हमें पकड़ने में सफलता मिलेगी और इसका हम शीघ्र अनावरण करेंगे।